हेलो फ्रेंड, इस वीडियो हम देखेंगे, देखिए विविध के क्वेश्चन जो आते हैं 40 से जो 50 टॉपिक से, इसमें क्वेश्चन छांटे गए हैं। इसमें भारत में प्रथम सबसे लंबा बड़ा आदि से क्वेश्चन जो आते हैं, इसमें लगभग 500 से 600 क्वेश्चन आपका कवर हो जाएगा। और ये बीएसएससी और बीपीएससी के लिए ये काफ़ी इंपॉर्टेंट वीडियो होगा। तो आइए स्टार्ट करते हैं। देखिए स्क्रीन के ऊपर जो हमारा पहला इसमें क्वेश्चन है, देखिए भारत का जो प्रथम राष्ट्रपति है वो थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, और ये संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष थे और ये बिहार से बिलोंग करते हैं। और वर्तमान में राष्ट्रपति की बात की जाए तो रामनाथ कोविंद है और वे 14वें राष्ट्रपति बने हैं। 14वें उनका क्रम क्या है, 14वां। और देखिए बिहार, ये आपका राष्ट्रपति बनने से जो पूर्व थे ये बिहार के राज्यपाल थे रामनाथ कोविंद। इसके बाद भारत का प्रथम मुस्लिम राष्ट्रपति ये थे डॉक्टर जाकिर हुसैन, इनकी कार्यकाल के दौरान ही मृत्यु हो गई थी, ये भी बिहार से है। इसके बाद भारत की प्रथम महिला राष्ट्रपति श्रीमती प्रतिभा पाटिल थी। भारत का प्रथम उपराष्ट्रपति डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन थे। प्रथम उप प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू। इसके बाद प्रथम महिला प्रधानमंत्री थी इंदिरा गांधी, कौन थी, इंदिरा गांधी। इसके बाद प्रथम उप प्रधानमंत्री और प्रथम गृह मंत्री थे सरदार वल्लभ भाई पटेल, और जो प्रांतीय समिति के अध्यक्ष थे वो सरदार वल्लभ भाई पटेल ही थे। इसके बाद प्रथम महिला राज्यपाल थी सरोजिनी नायडू, और सरोजिनी नायडू जो थी भारत की प्रथम महिला कांग्रेस की अध्यक्ष थी, जो कि कानपुर में 1925 में इन्होंने अध्यक्षता की थी। इसके बाद प्रथम लोकसभा अध्यक्ष जीवी मावलंकर थे। प्रथम मुख्य चुनाव आयुक्त ये थे सुकुमार सेन। इसके बाद प्रथम वित्त आयोग के अध्यक्ष केसी नियुगी थे, और 14वें वित्त आयोग के अध्यक्ष थे वाईवी रेड्डी, जो कि अभी उनका कार्यकाल चल रहा है। और 15वें है एनके सिंह, जिनका जो कार्यकाल होगा 2020 से 25 तक होगा। इसके बाद प्रथम आईपीएस बनने वाली महिला किरण बेदी थी, इन्हें रेगमन से पुरस्कार से नवाजा गया था। यूपीएससी की प्रथम महिला अध्यक्ष रोज मिलियन मैथ्यूज। इसके बाद सर्वोच्च न्यायालय के प्रथम मुख्य न्यायाधीश हीरा लाल थे, और सर्वोच्च न्यायालय के प्रथम महिला न्यायाधीश थी फातिमा बीबी, ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है। उच्च न्यायालय की प्रथम मुख्य न्यायाधीश लीला सेठ थी। इसके बाद भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अध्यक्ष था डब्ल्यू सी बैनर्जी, जो कि व्योमेश चंद्र बैनर्जी कहते हैं, इनका पूरा नाम है व्योमेश चंद्र बैनर्जी। इन्होंने कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन की अध्यक्षता की थी 1885 में बम्बई में, और बम्बई में ही 1885 में कांग्रेस की स्थापना हुई थी। प्रथम महिला कांग्रेस अध्यक्ष एनी बेसेंट थी, और ये 1917 में कलकत्ता में कांग्रेस की अध्यक्षता की थी इन्होंने। इसके बाद प्रथम भारतीय महिला कांग्रेस की अध्यक्ष कौन बनी, सरोजिनी नायडू। कब बनी थी, 1925 में कानपुर में आपका। इसके बाद प्रथम मुगल बादशाह ये थे बाबर, जिन्होंने इब्राहिम लोदी को हराकर जो है मुगल सत्ता की स्थापना की। और 1526 में इन्होंने महत्वपूर्ण जो है युद्ध लड़ा था, पानीपत का युद्ध, और 1530 में इनकी मृत्यु हो गई थी। इसके बाद भारत की प्रथम महिला शासिका थी रजिया सुल्तान। इसके बाद भारत की प्रथम महिला राजदूत थी विजयालक्ष्मी पंडित, जो कि जवाहरलाल नेहरू की सिस्टर थी। इसके बाद प्रथम आईसीएस थे सत्येंद्र नाथ टैगोर। इसके बाद भारत की प्रथम जनगणना हुई थी 1872 में। भारत का प्रथम फील्ड मार्शल मानिक शाह था। इसके बाद भारत की प्रथम बोलती फिल्म थी आलमारा, जो कि 1931 से संबंधित है। भारत का प्रथम नाभिकीय भट्टी, तो यहाँ पे ये क्वेश्चन छूट गया, तो आप इसको देखिए, नोट कर लीजिए देख के। इसके बाद भारत का प्रथम उपग्रह प्रेक्षण कब किया गया था, आर्यभट्ट, भारत का प्रथम उपग्रह छोड़ा गया था और 1975 में छोड़ा गया था। इसके बाद प्रथम स्वदेश निर्मित उपग्रह का परीक्षण किया गया इनसैट 2A जुलाई 1992 में किया गया था। और फ्रेंड्स देखिए, पॉलिटी का जो लॉन्ग वीडियो है, दो वीडियो में ही पूरा का पूरा एंड कर देंगे उसको। ज्योग्राफी के दो वीडियो आएंगे, और करंट अफेयर्स के भी लॉन्ग लॉन्ग दो वीडियो आएंगे, जो कि पूरा जो है 15 से 20 टॉपिक उसमें करंट अफेयर्स का कंप्लीट कर देंगे। उसके नोट्स जो है थोड़े से ही बचे हुए हैं, बाकी सभी तैयार हो चुके हैं, जल्दी वीडियो आ जाएगा। और प्लेलिस्ट में आप जो जाकर है बाकी सभी वीडियो देख सकते हैं, और इसका पीडीएफ देखिए डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स में आपको मिल जाएगा। टेंशन बिल्कुल मत ले, आप अच्छे से तैयारी करते रहे। इसके बाद है भारत का प्रथम अंतरिक्ष यात्री, ये थे राकेश शर्मा, स्क्वाड्रन लीडर थे। इसके बाद भारत का प्रथम विमान वाहक पोत कौन था, ये
INS विक्रांत। देखिए इसके बाद भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस विज्ञान का प्रथम अध्यक्ष था आशुतोष मुखर्जी। इसके बाद भारतीय राष्ट्रीय विज्ञान कांग्रेस का प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी, ये थी आसिमा चटर्जी। इसके बाद मिस वर्ल्ड से सम्मानित प्रथम भारतीय महिला ये थी रीता फारिया। इसके बाद नोबेल पुरस्कार विजेता प्रथम भारतीय व्यक्ति थे रविंद्रनाथ टैगोर, जो कि साहित्य के लिए गीतांजलि 3 की जो पुस्तक उन्हें दिया गया था 1913 में। ये क्वेश्चन बार बार आता है। इसके बाद नोबेल पुरस्कार से प्रथम भारतीय वैज्ञानिक किसे दिया गया था नोबेल पुरस्कार, ये थे सर सीवी रमन, इन्हें रमन प्रभाव के लिए दिया गया था। अशोक के शिलालेख को सर्वप्रथम किस यूरोपीय ने पढ़ा था, 1837 में जेम्स प्रिंसेप ने पढ़ा था और ये ब्राह्मी लिपि का शिलालेख था। इसके बाद भारत पर आक्रमण करने वाला प्रथम मंगोल कौन था, चंगेज खां, 1221 ईस्वी में किया था। भारत में प्रथम बार रेल चली थी लॉर्ड डलहौजी के समय 1853 ईस्वी को, मुंबई और थाने के बीच 34 किलोमीटर की दूरी तय की थी। इसके बाद भारत में सर्वाधिक वर्षा अब जो होती है, पहले चेरापूंजी में होती थी, अब होती है मानिसराम में, ये मेघालय में स्थान, और यहाँ पे जो औसतन वर्षा होती है वो होती है 1148 सेंटीमीटर। इसके बाद भारत की जो सबसे लंबी नदी है वो है गंगा, चौड़ी है ब्रह्मपुत्र, और विश्व की अगर बात की जाए तो लंबी है नील नदी और चौड़ी है अमेजन नदी। ये क्वेश्चन पूछा जाता है, ये क्वेश्चन हाल ही में पीसीएस में पूछा जा चुका है। भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात जोग या गरसोप्पा या महात्मा गांधी सेतु, इसका पूरा नाम है, ये शरावती नदी पर है और कर्नाटक राज्य में। इसके बाद भारत की सबसे बड़ी प्राकृतिक झील या मीठे पानी की झील है वुलर, जो कि जम्मू कश्मीर में स्थित है। इसके बाद सर्वोच्च पुरस्कार भारत का भारत रत्न है, और सबसे बड़ा रेगिस्तान भारत का है राजस्थान राज्य में थार का मरुस्थल, विश्व में है सहारा का मरुस्थल। इसके बाद सबसे बड़ा राज्य जो है क्षेत्रफल में भारत का वो है राजस्थान, और सबसे छोटा है क्षेत्रफल में गोवा। सबसे बड़ा जनसंख्या में राज्य है उत्तर प्रदेश, और सबसे छोटा है सिक्किम। इसके बाद सबसे ऊंचा जो पुल है वो है चंबल का पुल। सबसे लंबी नदी का पुल कौन सा, देखिए महात्मा गांधी सेतु बिहार गंगा नदी पर। इसके बाद सबसे ऊंचा द्वार है बुलंद दरवाजा फतेहपुर सीकरी में है, जो कि 176 ये मीटर का है। इसके बाद भारत का सबसे ऊंचा बांध है भागड़ा नागल बांध, जो कि पंजाब राज्य में, और सबसे लंबा देखिए ये है ऊंचा था भागड़ा, और लंबा कौन सा है हीराकुंड उड़ीसा राज्य में महानदी पर ये बनाया गया है। सबसे बड़ी मस्जिद है जामा मस्जिद, जो कि दिल्ली में है, और सबसे ऊंची मीनार है कुतुब मीनार, जो कि दिल्ली में कुतुबुद्दीन ऐबक द्वारा ये बनवाई गई थी। इसके बाद सबसे सर्वोच्च वीरता पुरस्कार नागरिक पुरस्कार कौन सा है, यह है अशोक चक्र, और सबसे सर्वोच्च वीरता सम्मान सैनिक पुरस्कार है परमवीर चक्र, जो कि जो प्रथम परमवीर चक्र विजेता थे वे थे सोमनाथ शर्मा, मेजर सोमनाथ शर्मा। इसके बाद सबसे ऊंची चोटी विश्व की यह है माउंट एवरेस्ट, 8848 मीटर, ये नेपाल में है। भारत की सबसे ऊंची चोटी है यह है केटू, जिसको गोडविन ऑस्टिन भी बोला जाता है। इसकी जो ऊंचाई है 8611 किमी है, ये जम्मू कश्मीर में है गोडविन ऑस्टिन। इसके बाद भारत का जो सबसे बड़ा डेल्टा है विश्व का, यह है सुंदरवन का डेल्टा, पश्चिम बंगाल में है, गंगा और ब्रह्मपुत्र के मिलने से ये डेल्टा बनता है। सबसे बड़ा गोल गुम्बज कौन सा है, ये सबसे बड़ा गुम्बज है गोल गुम्बज बीजापुर का है, 44 मीटर इसका व्यास है। इसके बाद प्रथम फुटबॉल क्लब भारत में यह है मोहन बगान, 1889 ईस्वी में बना था। प्रथम हवाई डाक सेवा इलाहाबाद से नैनी के मध्य चली थी 18 फरवरी 1911 को। इलाहाबाद और नैनी, देखिए नैनी जो है आपका क्वेश्चन आता है, भारत का जो मानक समय है वो इलाहाबाद के नैनी से ही काउंट होता है, और भारत का मानक समय IST यानी कि इंडियन स्टैंडर्ड टाइम, जो कि GMT से 5.5 घंटे आगे है प्लस में। इसके बाद भारत रत्न से सम्मानित प्रथम व्यक्ति है डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, 1954 में इन्हें जो है ये रत्न मिला था। भारत रत्न से सम्मानित प्रथम महिला इंदिरा गांधी थी, और भारत रत्न से प्रथम विदेशी जो थे ये थे डॉक्टर जाकिर हुसैन और खान अब्दुल गफ्फार। देखिए यहाँ पे इसके बाद है किस राज्य में प्रथम जो महिला थी वो CM बनी थी, ये बनी थी सुचेता कृपलानी।
इसके बाद ओलंपिक खेलों में फाइनल में पहुंचने वाली प्रथम महिला खिलाड़ी ये थी पीटी उषा, इसको उड़न परी भी बोला जाता है, 1984 में गई थी। इसके बाद एशियाई खेलों में स्वर्ण पदक जीतने वाली जो महिला थी कवलजीत सिंधु थी ये। इसके बाद भारत में स्थापित प्रथम विश्वविद्यालय कोलकाता में 1857 में बनाया गया था। भारत में प्रथम भूमिगत रेल सेवा आरंभ हुई थी कोलकाता में 1984 में। इसके बाद भारत का जो प्रथम बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना थी ये थी दामोदर घाटी परियोजना, पश्चिम बंगाल में है दामोदर नदी पर। इसके बाद भारत का प्रथम अभयारण्य यह है जिम कार्बेट जो कि उत्तराखंड में है। बार बार क्वेश्चन पूछा जाता ही। इसके बाद देखिए सबसे ज़्यादा वन क्षेत्रफल राज्य किस में है, एमपी में है, और सबसे कम है हरियाणा में। देखिए और यहाँ पे जो वनों का प्रतिशत बुझ जाता है भारत में वर्तमान में कितना है, बार बार क्वेश्चन आ रही है, तो ये है काउंट होता पूरा का पूरा 21.54% होने चाहिए, कितने वन 33% होने चाहिए। सबसे कम लिंगानुपात है हरियाणा में, सबसे अधिक लिंगानुपात है केरल में वर्तमान में। भारत में सबसे ज़्यादा पाई जाने वाली मिट्टी है जलोढ़ मिट्टी है, दो प्रकार की होती है खादर और बांगर। खादर वो होती है जो कि बहुत ही उपजाऊ होती है, और बांगर वो होती है जो कंकर मिट्टी से बनी होती है, जो जो कि इतनी उपजाऊ नहीं होती, उर्वरता क्षमता इसमें बिल्कुल भी ना के बराबर होती है। प्रथम फिंगरप्रिंट ब्यूरो बनाई गई थी कोलकाता में 1897 ईस्वी में। इसके बाद प्रथम पंचवर्षीय योजना शुरू हुई थी 1 अप्रैल 1951 को। दक्षिणी ध्रुव में प्रथम भारतीय महिला, सॉरी दक्षिणी ध्रुव में प्रथम भारतीय वैज्ञानिक प्रयोगशाला कौन थी, देखिए दक्षिण गंगोत्री 1986 में बनाई गई थी ये प्रयोगशाला। और देखिए दक्षिणी ध्रुव पर जो है अंटार्कटिका, सॉरी जो छिद्र होता है ओजोन परत का, वो दक्षिणी ध्रुव पे सबसे ज़्यादा है। इसके बाद टेस्ट क्रिकेट में सबसे ज़्यादा शतक लगाने वाला का रिकॉर्ड किसके नाम है, यह है सचिन तेंदुलकर के 49। इसके बाद भारत का प्रथम शतरंज ग्रैंड मास्टर कौन है, यह है विश्वनाथ बने थे पहली बार। और भारत का वर्तमान में सबसे कम आयु का ग्रैंड मास्टर कौन जाना जाता है, ये हाल ही का करंट का क्वेश्चन है, तो वह है प्रागानंदा, आंध्र साइड से है वो। इसके बाद भारत का प्रथम परमाणु परीक्षण हुआ था पोखरण राजस्थान में 1974 में। दूसरा हुआ था, दूसरा भी हुआ था आपका पोखरण राजस्थान में, और वो होता 1998 में। इसके बाद भारत का सबसे बड़ा म्यूजियम है इंडियन म्यूजियम जो कि कोलकाता में बनाया गया है। प्रथम 100% साक्षरता करने वाला राज्य है केरल जो कि पूर्ण रूप से डिजिटल भी है वर्तमान में। इसके बाद भारत का प्रथम मध्यम दूरी का प्रक्षेपास्त्र यानी कि मिसाइल कौन सी है, अग्नि मिसाइल है। 22 मई 1989 को चांदीपुर से ये इसका परीक्षण किया गया था इसमें। और अग्नि का जो मिसाइल का आविष्कार किया था ये किया था मिसाइल मैन डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम ने। इसके बाद भारत का प्रथम एंटी टैंक मिसाइल कौन सा है, नाग है, और जो कि 29 नवंबर 1989 को ये भी चांदीपुर से ये परीक्षण किया गया था इसका भी। इसके बाद देश का सबसे बड़ा बंदरगाह है मुंबई बंदरगाह है, ये महाराष्ट्र राज्य में है। और सबसे गहरा है विशाखापट्टनम आंध्र प्रदेश का। इसके बाद भारत में प्रथम मुस्लिम आक्रमणकारी ये थे मोहम्मद बिन कासिम जो कि 712 ईस्वी में किया था राजा दाहिर पर। इसके बाद भारत का सबसे बड़ा नदी द्वीप है माजुली द्वीप है, ब्रह्मपुत्र नदी का, ब्रह्मपुत्र नदी में है ये माजुली द्वीप। और असम का हाल ही में 35वां जिला बना है, करंट का ये क्वेश्चन है। इसके बाद देखिए भारत का सबसे बड़ा पठार है प्रायद्वीप का पठार दक्षिण भारत में। इसके बाद भारत का सबसे बड़ा हिमनद सियाचिन ग्लेशियर कौन सा है, सियाचिन ग्लेशियर। इसके बाद भारत का सबसे बड़ा पशु मेला सोनपुर बिहार में लगता है। और सबसे लंबी नहर है इंदिरा गांधी नहर राजस्थान में, और ये जो है सतलज नदी से हरि के बांध से निकलती है और सतलज नदी से ये जल लेती है। इसके बाद सबसे बड़ा इस्पात संयंत्र है टिस्को, टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी, जो कि जमशेदपुर में है और जमशेद जी टाटा द्वारा ये स्थापित की गई थी। इसके बाद सबसे लंबी तटरेखा वाला राज्य है गुजरात है, जो कि काफी बार क्वेश्चन ये आता है। तो फ्रेंड्स देखिए जल्दी करंट अफेयर्स और आपका पॉलिटिकल लो कि उसमें कंप्लीटली आपका क्वेश्चन हो जाएगा। ये जो वीडियो बनाया गया था इसके लिए काफ़ी सारे कमेंट्स आए थे, इसीलिए ये जो है विविध का जो है ये वीडियो लाए है। और अगर वीडियो आपको अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, साथ ही साथ इसको जो है चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और इस वीडियो को शेयर भी कर दीजिए।
फ्रेंड देखिए, अब जो है आपके पास समय कम है, बहुत ही कम है समय, तो आप ऐसा करिए, आप मतलब बहुत ही जल्दी से जितना भी हो सके आपका सिलेबस है आप उसको रिवाइज कर दीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा जितने आपने नोट्स बनाए हैं उसको बार बार रिवाइज करिए। और रीजनिंग आपका 50 क्वेश्चन आएगा, और GK करंट अफेयर्स और साइंस आएगा आपका 75 क्वेश्चन, उसको बार बार अच्छे तरीके से करिए, आपका जो है सिलेक्शन इसमें निश्चित है। और मैथ्स आएगा आपका 25 क्वेश्चन, जो कि 10 से 12 क्वेश्चन बहुत ही इजी आएगा, जो कि आप बना लेंगे।